आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 4 जनवरी के ईश्वरीय वरदान की, जहां परमपिता परमात्मा ने हमें 4 चीजें बताई हुई हैं। 4 जनवरी भी है और मुख्य 4 चीजें हैं। देखा जाए तो 3 है, लेकिन मुख्य चीजों को हम अगर विस्तार में लेके जाएं तो हम समझेंगे कि ऐसी कुछ मुख्य 4 चीजें हैं जो कि हमें बहुत ही गहराई से समझनी पड़ेंगी। तो परमात्मा उसमें सबसे मुख्य कहते हैं ओबीडियंस, कि हम परमात्मा की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और उन ओबीडियंस के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं जो कि आज परमात्मा ने सबसे मुख्य हमें बताई हुई हैं। तो सबसे पहला हो गया ओबीडियंस, कि हम परमात्मा के साथ में उनकी बातों को मानते कि नहीं मानते हैं, उनके अनुसार चलते कि नहीं चलते हैं। ये हमें अपने आप को क्वेश्चन करना है, चेक करना है कि हम कौन कौन से लेवल पर चलते हैं। और फिर परमात्मा ने ऐसी 4 चीजें जो बताई हुई, उनमें से 3 चीजें जो मुख्य बताई हैं, उसके द्वारा अगर हम अपने जीवन को मोल्ड करते जाएं तो बहुत कुछ हमारे अंदर चेंज हो जाएगा, बहुत सारे परिवर्तन आएंगे और हमारे अंदर जो वाइब्रेशंस, हमारी जो एनर्जी लेवल्स है बहुत हाई हो जाएंगे। तो देखें, परमात्मा की ये छोटी छोटी जो बातें उन्होंने बताई हैं, जो कि चूंकि बहुत मुख्य हैं, ये जैसे कि एक पूरी वॉल में आपका अगर सीमेंट नहीं है तो कोई फायदा नहीं। उसी तरीके से ये जोड़ है हमारी स्थिति के लिए। तो परमात्मा कहते हैं छोटी छोटी अवज्ञाओं, जो बातें हमने नहीं मानी उनकी, के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भवा, यानी कैरेक्टर। तो कैरेक्टर वाला इंसान कौन होता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। जैसे अमृत वेले सुबह 4 बजे उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। जिस विधि से बैठना चाहिए वो हम यूज नहीं करते तो हमें सिद्धियां, मतलब कि हमें प्राप्तियां नहीं होती हैं। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। तो परमात्मा के साथ में कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन उस समय ऐसे ये जो अगर हो रहा हो या ऐसे ऐसे ये अगर हो रहा हो, इसका मतलब वो मेडिटेशन नहीं हो रही है, वो आपकी स्वीट साइलेंस के साथ में निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो गई। तो परमात्मा कहते हैं कि वो फिर विधि पूर्वक नहीं है, वो आपका वेस्ट हो गया, इससे ऐसे तो सो ही जाते। सेकेंड चीज, बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। पहला है ना दुख दो, बुरा सोचना, खुसर खुसर करना उनके बारे में, या उनके बारे में उनके अवगुणों को अपने चित पर रखना, ये भी क्या हो गया, दुख देना हो गया। और ना दुख लो, इसमें दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। आप सोचिए आप कौन से लेवल पे, आप अगर अभी अगर आप देने वाले हैं या अभी आप दुख लेने वाले में आए हैं। क्योंकि कुछ आत्माएं देने में भी अभी आजकल बहुत आगे हैं और लेने में भी बहुत आगे हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कि अगर आप दोनों कैटेगरी में आते हैं, आप देते भी हैं दुख और लेते भी दुख हैं, या तो आप देते नहीं है लेकिन आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, आपके अंदर स्वमान नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिस कारण से लोग आपको कभी भी हिला सकते हैं कुछ भी कह करके, तो आप लेने वाले हो गए। या तो फिर आप किसी को देते भी नहीं है दुख और ना किसी से लेते हैं दुख, इसका मतलब आप सबको सुख देते हैं, मतलब अच्छा उनके बारे में सोचते हैं, सद्भावना रखते हैं उनके बारे में। फिर परमात्मा कहते हैं नहीं ले लेकिन ले लेते हैं। तीसरी पॉइंट, क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। रोब मतलब बॉसिनेस, मुझे क्रोध तो नहीं आया लेकिन हाँ मैंने उसको जो करना था उसको मैंने ठीक से कह करके, फर्मली कह करके उसे करवा लिया। मैंने करना पड़ता है, पैसे दिए ना तो बोलना ही पड़ेगा उनको, ये तो नहीं मानते आजकल के लोग। तो बॉसीनेस दिखा करके, परमात्मा कहते हैं कि बॉसीनेस दिखाने से भी अगर वो कार्य नहीं हो तो आपको क्या आएगा, एग्जैक्टली क्रोध आएगा। मतलब बॉसीनेस जो है, रोब जो है, वो भी क्रोध का एक अंश है, छोटी मात्रा में, लेकिन जब वो बढ़ती आती है मात्रा और उसके अनुसार अगर हमारे कार्य नहीं होते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली क्रोध आ सकता है। तो ये अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें किसी से हमें दुआएं तो नहीं मिलेंगी, बद्दुआएं मिलेंगी, वो हमारे बारे में बुरा सोचेंगे, जिस कारण से हमारा मेडिटेशन और परमात्मा से लिंक खत्म हो जाएगा या बहुत वीक हो जाएगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं, अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। तो ये जो 3 चीजें बताई हैं और इनको सबको हमें एक ओबीडियंस के द्वारा परमात्मा की बताई हुई हमें
जो गाइडेंस है उसके द्वारा हमें आगे बढ़ना है और इनको हमें यूज करना है हर दिन और इनको रिफाइन करते जाना है, ध्यान देना। नहीं तो क्या होता है, समझ नहीं आता पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं किया है मैंने आज, क्या करा है मैंने, चूँकि आज मूड ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, ये जब क्वेश्चन आते हैं हमको तो हमें ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। कहीं दुख दिया कि दुख लिया, बॉसिनेस तो नहीं करी, क्रोध तो नहीं दिखाया, अमृत वेले में जुट के खाते रहे, सोते रहे, हमने सोचा बहुत अच्छा हुआ लेकिन उस समय एक्चुअली नींद आ रही थी वो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे चरित्र को बनाने में बाधा बन जाती हैं। तो इनको आप करें ठीक, करना कैसे ठीक इनको, पहले बेसिक नॉलेज तो लेनी पड़ेगी उसके लिए आपको आकर के ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के इस ज्ञान को गहराई से समझना पड़ेगा। इसके साथ शांति।